जैसा कि आप सबको मालूम है कि राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना भारी बहुमतों से जो है परचम लहराया है और वहीं डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर अब बन चुकी है। केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनकी काफी सारी जो योजनाएं हैं अभी तक राजस्थान के अंदर लागू नहीं हुई थी, चूंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार थी। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बन चुकी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके एक विकसित भारत का जो सपना है वो लिए हुए, और राजस्थान के अंदर भी जो योजना है शुरू कर दी गई है। आज 18 दिसंबर को जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो है भीलवाड़ा शहर के अंदर इस योजना का आगाज हुआ है। आप देख सकते हैं कि पीछे कई सारी योजनाओं के लिए काउंटर लगे हुए हैं, जहां पर जो है जो प्रार्थी है, जो जनता के अंदर जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर कई सारी जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य जांच शिविर है, आयुष्मान कार्ड है, और जिसमें पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की योजनाएं हैं, जिसके अंदर आधार के अंदर जो है करेक्शन करवाने को लेकर के जो योजनाएं हैं आप लोग देख रहे हैं, तो समस्त प्रकार की जो लाइन लग चुकी है यहाँ पे। और वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए जो भी है यहाँ पर लाइन लगी हुई है, कई सारे जो लाभार्थी यहाँ पर पहुंचे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये योजनाएं दी गई है, सौगात दी गई है। हम लोग बात करेंगे उनसे कि इस योजनाओं को लेकर के जो है काफी खासा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। हम बात करना चाहेंगे प्रधानमंत्री की योजना से, हमको 10,000 का लोन मिला है और उससे हमने चूड़ी का कारोबार का धंधा खोला है और उससे हमको बहुत बहुत लाभ मिला है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा और कारोबार इससे हमारा बढ़े और हमको और लोन की जरूरत है और हमारा ये काम होना और जरूरत है और प्रधानमंत्री योजना की तरफ से हमको बहुत बहुत लाभ मिला है। मोहम्मद जावेद, मैं आशा देवी भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। पहले 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने योजना चालू की थी, उसमें से हमको 200 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, अब हमको 300 रुपए की सब्सिडी मिल रही है और मैं धुआं से मुक्त हो गई हूँ और मेरा परिवार खुश है और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। पहले हम रोटी चूल्हे पे बनाते थे, बहुत धुआं भी होता था, आंखें जलती, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन आज इस कनेक्शन की वजह से हम धुआं मुक्त हो जाएंगे और हमारा परिवार सुखी हो जाएगा, इसलिए हम प्रधानमंत्री साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का भीलवाड़ा शहर में आज हम सब स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो स्वर्णिम स्वप्न है कि 2047 में भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ हो, विकसित भारत हो, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो देश की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी देश की भागीदारी में, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा पाए, इससे तो ये संकल्प यात्रा निभी है। उसका जीवन कैसे ऊपर हो, उसका जीवन कैसे सुखमय हो, आनंदमय हो, जैसा कि अभी हमने देखा था कि पहली बार ऐसा हुआ कि 9 वर्ष के अंदर 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। यह है भारत की विकास यात्रा। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने की दिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का 33 चरण का शुभारंभ आज भीलवाड़ा शहर में माननीय विधायक महोदय जी, सभापति महोदय, सभी पार्षदगणों और जिले के सभी अधिकारीगण के द्वारा शुभारंभ किया गया है। आज से ये यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 7 जगह टोटल मिला के 14 कैंप लगेंगे और इसमें 5 योजनाओं के काउंटर लगाए गए हैं, जिनका अभी एमएलए साहब ने सबका शुभारंभ करवा दिया गया है। और हम शहर के सभी नागरिकों से अपेक्षा करते हैं, निवेदन करते हैं कि सरकार के जो भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स है उनमें सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, जुड़े, फायदा ले इसका, और मोदी जी के जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित करने का उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। संकल्प यात्रा 18 दिसंबर से शहरी क्षेत्र में शुभारंभ हुआ, 24 दिसंबर तक यहाँ भीलवाड़ा नगर परिषद के एरिया में चलेगी, फिर बाद में सभी दूसरी नगर पालिका क्षेत्रों में ये विकास यात्रा करेगा। और इसमें प्रधानमंत्री जी के 2047 को भारत को विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प की प्रतिज्ञा दोहराई गई और वीडियो क्लिप्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिए गए, और जो 5 स्टॉल हैं 5 योजनाओं की उनका जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उद्घाटन कराया, और इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको किस तरह अधिक से अधिक बढ़ाया जाए इस बाबत निर्देशित किया गया और ये सुनिश्चित किया गया। भारत संकल्प यात्रा के स्वागत में आज उपस्थित हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
ने देश को 9 वर्षों में कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया हम सब जानते हैं। चाहे वो देश का विकास हो, स्वच्छ भारत हो, विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने से लेके यहाँ के बड़े बड़े कार्य हो, देश में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, धारा 370 हो, इसी के तहत वो चाहते हैं कि प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक सुखी हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो और समृद्ध हो। उनके लिए आपने कई योजनाएं लाए, 39 योजना लगभग उनकी है अभी, और उस 39 योजना में 5 योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तत्काल लाभार्थी को उसका फायदा मिल सके, उसके लिए अपने 16 दिसंबर से राजस्थान में ये यात्रा शुरू हुई है और उन्होंने तो बहुत कार्य किए हैं। 5 योजना में आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम उज्ज्वला, आधार अपडेशन और हेल्थ कैंप, ये 5 योजना का तत्काल फायदा ले सकते हैं। और अब हमारा सबका दायित्व है कि प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत योजनाएं बना दी है और सब प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। काफी लोगों से हम लोगों ने चर्चाएं भी की जिन्होंने जो है उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर प्राप्त किया है। भीलवाड़ा से भारत एक्सप्रेस के लिए धीरज कुमार शर्मा।